बिलासपुर के बरमारा में करंट लगाकर जंगली जानवरों को मार गिराने का समाचार प्राप्त हुआ है। जानकारी के अनुसार वन विभाग व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस व वन विभाग के कर्मचारियों ने इसकी जांच की, जिसके चलते शव के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ भी की गई। खुफिया सूत्रों में जानकारी मिली है कि बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए किसान वर्ग बिजली विभाग की आपूर्ति लाइनों से अवैध तरीके से लोहे या किसी अन्य सहयोगी धातु का प्रयोग कर रात्रि काल अपने खेतों में बिजली करंट लगा देते हैं, जिसकी चपेट में जंगली जानवर बेमौत मारे जाते हैं। बिलासपुर के परमाणा में करंट लगाकर जंगली जानवर नीलगाय को मारने का समाचार प्राप्त हुआ है। जानकारी के अनुसार वन विभाग व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला दर्ज कर शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस व वन विभाग के कर्मचारियों ने इसकी जांच की, जिसके चलते शव के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ की। खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा के लिए किसान वर्ग बिजली विभाग की आपूर्ति लाइनों से अवैध तरीके से लोहे या किसी अन्य सहयोगी धातु का प्रयोग कर रात्रि काल अपने खेतों में बिजली करंट लगा देते हैं, जिसकी चपेट में जंगली जानवर तो बेमौत मारे जाते हैं अपितु भूलवश इंसान भी करंट लगने से मौत के आगोश में समा जाते हैं। जिला बिलासपुर सहित हिमाचल प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है। समय रहते अवैध तरीके से करंट लगाकर बेजुबान जंगली जानवरों को मारने से रोकने के प्रति वन विभाग सहित संबंधित विभागों को कोई ठोस सकारात्मक कदम उठाने होंगे। हमारे को दूरभाष पे ना ग्रामीणों द्वारा हमारे पुलिस गार्ड को सूचना मिली कि यहाँ पे बरमाना के नज़दीक जो है ये एक सांबर को मतलब मरा हुआ मृत पाया गया। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे मौका पर पहुँचे हैं, पुलिस विभाग के लोग भी पहुँचे हैं। तो अभी हमने इसका मतलब डॉक्टर से संपर्क साधा है, तो इसकी जो पोस्टमार्टम होगा उसकी रिपोर्ट के बाद ही सही पता लगेगा कि ये कैसे मारा है सांबर का बच्चा।